एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त राव शावेस, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर फेवरेट शो जिसका नाम है फूड कहानी रमजान स्पेशल। तो भैया ये आप मेरी दोनों तरफ ट्रैफिक देखकर समझ ही गए होंगे और शोर शराबे से भी कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन तारिक रोड की स्ट्रीट के ऊपर और यहाँ बना हुआ है रिदान मंदी हाउस। और पता लगा इफ्तार प्लेटर भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। तो भाई अब मजीद बात नहीं हो सकती, इफ्तारी करते हैं और फिर बात करते हैं, आ जाओ। अभी भी कम फॉर द इफ्तार देंगे भाई, फुल अरेबिक माहौल बना हुआ है रिदान मंदी में, क्योंकि मंदी जो है वो एक अरेबिक डिश है। तो इस वक्त हमारे पास बीफ मंदी, बीफ मदफून और चिकन मदबी हम लोगों ने ऑर्डर की है। लेकिन उससे पहले हम लोग खोलेंगे, सबसे पहले जो हमेशा कहता हूँ ज़रूरी है आप लोग भी खाया करें, खजूर। खजूर से इफ्तारी करते हैं सबसे पहले। चलिए जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी मटन मदबी से, ठीक है जी। और हमारे पास दो, एक ये रायता है और ये है, ये सॉस बहुत स्पेशल सॉस है, टमाटर की चटनी है, टमाटर और रेड चिली। यार मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, पहले सीन्स देख रहे हैं आप लोग। और अच्छा, राइस की फिलिंग फ्री है, राइस रीफिल हो जाते हैं। और यहाँ पर रमज़ान में अभी नहीं है वैसे, यहाँ पर आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यखनी भी सर्व की जाती है खाने से पहले। चेक करें, सॉस जरूरी है भाई, मेरी तो फेवरेट है। चलें जी, हम अपने तीनों मीट ले लेते हैं। ये हमारे पास है स्पाइसी में थोड़ा, हा 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 भाई, मलाई के जैसा हो रहा गोश्त, ओके। और ये हमारे पास है चिकन, और जो ये स्पाइसी ही है, और इसको हम कहते हैं चिकन मदबी। अच्छा भाई सीन ये देखो यार, ये जो डिश है ना, ये चम्मच से नहीं खाई जाती, इसको आप खाते हैं हाथ से और फुल अरेबिक अंदाज में। सही है, बिस्मिल्लाह रहीम। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं बीफ मंदी जो है। टेंडर, सॉफ्ट, फुल ऑफ फ्लेवर्स, और फ्लेवर्स ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं है, बहुत माइल्ड फ्लेवर्स हैं। लेकिन जो फ्लेवर्स हैं ना, वो आपके टेस्ट बड्स को इतना क्रेजी कर देते हैं ना। अच्छा ये जो चावल है, ख़ास बात ये है कि चावल भी मटन के अंदर, मटन की वो जो यखनी होती है उसके अंदर ये बने हुए हैं चावल। तो चावलों में भी भरपूर जायका है, साथ में चटनी है, सॉस है, और इस गोश्त की तो क्या ही बात है। सो लेट्स हैव अनदर बाइट। अच्छा अरेबिक डिशेज में ना ज़्यादा स्पाइसेस वैसे यूज़ होते नहीं हैं, तो ये थोड़ा हमारे पाकिस्तानी टेस्ट बड्स को खुश करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस हम लोगों ने इसमें यूज़ किए हुए हैं। अगर आप ओरिजिनल डिश खाएं तो वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब हमारा जो स्पाइसी बीफ है एज अ पाकिस्तानी, वो आपको ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने पाकिस्तानी मसालों का टच दिया हुआ है। अरेबिक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो असल में जो अरेबिक डिशेस बनती हैं वो बहुत मिनिमल मसालों में बनती है। उसमें नमक यूज़ होता है, काली मिर्च यूज़ होती है, लेमन का इस्तेमाल होता है, ड्राई लेमन का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी डिशेस में नहीं होता। बट उनकी डिशेस की ख़ास बात ही होता है, जो आपको फ्लेवर मिलता है वो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स की वजह से मिलता है। या तो हमने खा पी तो लिया, लेकिन आपको पता है आपका भाई है मीठे का बहुत शौकीन, तो भाई हबीबी अनदर डिश ऑफ अनदर अरेबिक डिश भाई, कुनाफा, गर्मा गर्म कुनाफा। कुनाफा क्या होता है भाई, सेवइयां ऊपर इसके डली होती है क्रीम और अंदर होती है चीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हैव कुनाफा। क्रिस्पी, अंदर इसके चीज़ है, ऊपर क्रीम की टॉपिंग हुई हुई है,
देसी घी में ये बना हुआ है, मतलब हर तरीके से परफेक्ट है। और ये है अरेबिक क्विजीन का आखिरी तड़का, कुनाफा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम सबसे पहले? दानिश। दानिश भाई ये मुझे बताइएगा कि रिदान मंदी हाउस, मतलब इतना माशाल्लाह बड़ा नाम बन गया है, लेकिन इसके पीछे छुपी फूड कहानी क्या, किसका कॉन्सेप्ट था, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ? सर ये 2016 से स्टार्ट हुआ है। उमर इदरीस हमारे CEO हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो चंद दोस्तों का आपस में बैठ के यहाँ ऊपर ही बैठ के यहाँ पर डिसाइड हुआ कि एक फूड बिजनेस क्या शुरू किया जाए, क्या नई थीम। आपको पता है कराची में लोगों की कोशिश यही होती है कुछ नया सा नया। यहीं से शुरू हुआ, इसी जगह से? यही जगह से शुरू हुआ, खालिद बिन वलीद वाली ब्रांच से। अब जब जिस तरह से पब्लिक ने पसंद किया, रिस्पॉन्स आया अरेबिक थीम के ऊपर, एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट अरेबिक स्टाइल से हर चीज़, आप लोगों को पता है ऑथेंटिक टेस्ट के साथ साथ हर चीज़ अरेबिक स्टाइल में यहाँ पे सर्व की जा रही है। अभी कितनी यहाँ पे इसके ब्रांचेज हैं कराची में इस वक्त? इसके अलावा दो और मजीद ब्रांचेज हैं, एक क्लिफ्टन और एक जौहर, और एक हैदराबाद में ब्रांच है। तो लोगों ने जैसे जैसे हमारे पास लोग हैदराबाद से, इनफैक्ट क्वेटा से लोग आते हैं हमारे पास, तो जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ती गई तो हमने ब्रांचेज एक्सटेंड करी। अच्छा, ब्रांचेज का एक्सटेंड करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो बाहर हमारे पास वेटिंग लगती थी, जो लोग दो दो घंटे आके वेट कर रहे होते थे, तो हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा होता था। मैं भी बड़ा वेट कर कर के आया हूँ। तो वो उस चीज़ को फिर हमने डाइवर्ट किया, तो अब एरिया वाइज लोग डाइवर्ट हो गए काफ़ी हद तक, वहाँ दूसरी ब्रांचेस में रश डाइवर्ट हो गया। जो यही मेरा सवाल है कि अभी भी माशाल्लाह बहुत फुटफॉल अच्छा है और रश रहता है, तो क्या स्ट्रैटेजी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, बैक एंड पे कितने लोग हैं, कितनी टीम है यहाँ पर? सर टीम टाइम टू टाइम उन्हें बढ़ाते रहें, जैसे जैसे हमारे पास डिमांड्स बढ़ती रहीं, जैसे जैसे हमारे पास सेगमेंट्स बढ़ते रहें। इनफैक्ट हम कैटरिंग में भी डील कर रहे हैं, फिर अभी अफ्तार के हिसाब से हमारे पास आपने देख लिया यहाँ पे किस तरह का रश है। लोग डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कस्टमाइज बॉक्स हमसे बनवा रहे हैं, लोग घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिस पर लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े इवेंट्स वाले हैं जो हमसे कैटरिंग में डील कर रहे हैं, तो वो एक काम एक्सटेंड हो गया, तो उसकी एक टीम अलग काम कर रही है। इसी से ये बहुत डिफरेंट सीन है, मतलब आपके जो CEO हैं उनका क्या अरेबिक डिशेज से कोई ताल्लुक रहा, क्योंकि बड़ा ऑथेंटिक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है? बेसिकली देखें, हज उमरा पे सब लोग जाते हैं ना, दुबई चक्कर सबका लगता है, तो एक वहाँ की एक लाजमी सी बात है, लोगों को एक चीज़ वहाँ की एक मेजर एक चीज़ है, मंदी लोगों को पसंद है, तो ये वहाँ से कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहाँ जाके खाया जाता था, तो यहाँ क्यों नहीं, हमारे अपने लोगों के लिए क्यों नहीं। मुझे ये भी बताइए कि भाई ईद उल फितर आने वाली है, कुछ ही दिन में ईद उल फितर है, तो उसके लिए हमारी ऑडियंस को बताइए कि भाई रिदान मंदी पर क्या टाइमिंग्स हैं और कैसे तीनों दिन क्या टाइमिंग्स रहेंगे? सर स्टार्टिंग टू डेज जो फर्स्ट और सेकंड डे है वो 6 बजे के बाद से ऑनवर्ड्स रात 12-1 बजे तक है, 1 बजे तक की टाइमिंग्स हैं। और थर्ड डे से फिर हमारा वही 12 से 12 दिन से लंच शुरू हो जाएगा हमारा। थर्ड डे से हम हमेशा से ईद रहा है कि 2 दिन हम खुद भी थोड़ा सा ईद मनाते हैं, और लोगों को भी एक ज़रा घरों में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, तो रात में ही निकलते हैं लोग ज़्यादातर। तो 2 दिन जो है वो 6 बजे के बाद की टाइमिंग से, थर्ड डे से जो है वो 12 से 12 टाइमिंग है। थैंक यू दानिश भाई, और आपकी ईद मुबारक हो एडवांस में। ठीक है सर, थैंक यू। सो व्यूअर्स, ये थी रिदान मंदी हाउस की कहानी, तो अब आगे चलते हैं, जाना नहीं गए आपने, आगे हम जा रहे हैं बादराबाद की फूड स्ट्रीट के ऊपर और आपको वहाँ की फूड स्ट्रीट के मज़े चखवाते हैं। ठीक है, आ जाओ। सो बॉयज एंड गर्ल्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बहादराबाद के ऊपर, और बहादराबाद नाम रखा गया है एक मशहूर फ्रीडम फाइटर बहादुर यार जंग के नाम के ऊपर, और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे है चार मीनार चुरंगी, जो कि रेप्लिका है ओरिजिनल चार मीनार हैदराबाद दक्कन की। और भाई चार मीनार चुरंगी बनाई गई है 2007 के अंदर, और बगैर किसी इंतजार के आगे चलते हैं और देखते हैं कि बहादराबाद में खा पे के क्या सीन्स है। लेट्स गो। तो भैया इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं चार मीनार के बिल्कुल सामने मशहूर ज़माना खालिद आइसक्रीम के ऊपर। खालिद आइसक्रीम के फालूदा की क्या ही बात है यार, कराची का मौसम जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, तो इस गर्म मौसम में कुछ ठंडा हो जाना चाहिए, तो आइए चलते हैं और खालिद आइसक्रीम का फालूदा ट्राई करते हैं। आ जाओ जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका वो जो मशहूर ज़माना फालूदा खालिद आइसक्रीम का, एक वो करवा दें ऑर्डर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यार फालूदे की क्या ही बात है, ज़बरदस्त, और ठंडा आइटम बड़ा ज़रूरी है यार, क्योंकि ना आप इफ्तारी करते हैं जब, तो आपका बीपी एकदम से हो जाता है लो,
तो इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा और फिर अगर आपको खालिद आइसिंग का फालूदा मिल जाए तो क्या ही बात है। लेट्स डिग इन। मीठा, ठंडा, फुली लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स, क्रीम, जेली, आइसक्रीम और फ्रूट्स भी हैं और मेरा फेवरेट पाइनएप्पल। भाई साहब वाह, मतलब आप ये फुल पैकेज है, फुल पैकेज है, आपको इसमें सब मिलेगा। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हसन भाई ये मुझे बताइएगा कि चार मीनार चुरंगी के बिल्कुल सामने खालिद आइसक्रीम माशाल्लाह सालों साल से चल रही है, ये मुझे बताइए क्या सर इसकी फूड कहानी है, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ ये? सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये पेपर की दुकान था शुरू में, पूरे चुरंगी में जो है ना पहले दुकान ही यही है, खालिद आइसक्रीम जो है ना यहीं से चला है पूरे चुरंगी में, जितने अभी दुकानें ये तो सारे नए हैं, मेरे सामने की बात है, तकरीबन 50 साल हो गया। 50 साल? जी बिल्कुल। और फ्योर चीज़ मिलता है यहाँ, मशहूर है हमारा, सबसे ज़्यादा मशहूर है फालूदा, स्पेशल फालूदा सबसे ज़्यादा चलता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मतलब कि ये रमज़ान के टाइम पे खास तौर पे कौन सा टाइम मतलब ज़्यादा रश, रात में रश रहता है भरपूर, और टाइमिंग क्या है इसकी? हम लोग आते हैं रमज़ान में 5 बजे दुकान खुलता है, बिल्कुल अजानों तक जो है ना सहरी के टाइम तक हम लोग यहाँ से फजर की नमाज़ पढ़ के फिर दुकान बंद करके जाते हैं, फजर तक चलता है यार, फजर तक रश होता है। अच्छा फालूदा के अलावा मतलब जैसे मैं वॉफल्स देख रहा हूँ, लाइव आइसक्रीम भी चल रही है, क्या क्या मतलब खालिद आइसक्रीम में मिल रहा है अभी? आइसक्रीम में बारबेक्यू, फास्ट फूड, चाट मिलते हैं यहाँ, हर चीज़ एक ही मालिक के 3 दुकानें हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलता है, हर चीज़ यहाँ बेहतरीन मिलता है, बारबेक्यू फास्ट फूड में हर चीज़ मिलता है, वफल, पैनकेक, लाइव आइसक्रीम, हर चीज़ यहाँ मिलते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, ये जो बहादराबाद है ये सिक्योरिटी के लिहाज से कैसा है? हसन भाई आप यहाँ पे कारोबार करने के लिहाज से कैसा है? सर यहाँ बिल्कुल फजर तक सिक्योरिटी, यानी समझ लें मोबाइलें घूमता है, बिल्कुल सेफ जगह है, कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर बंदा, हम भी कोरंगी से आते हैं जाते हैं सही है बाइक में, बिल्कुल सेफ जगह है, कभी ऐसी कोई वाकया नहीं हुआ। थैंक यू हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चार मीनार चुरंगी से आप थोड़ा सा आगे आएंगे और उल्टे हाथ पर आपको मिलेगा हरमैन शरफैन, और भाई कोई सरप्राइज यहाँ पे कोई कढ़ाई वढ़ाई बन रही है, तो अंदर चलते हैं उनका मेन्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई ऐसा क्या खास आइटम है कि यार इतनी हाइप बनी हुई हरमैन शरफैन की। सो लेट्स गो इनसाइड। अरे भाई वाह 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 वाह, ये है हमारी शिनवारी कढ़ाई और ये है आइटम असल जो कि ज़रा हॉट आइटम और डिफरेंट है, चीज़ी कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर है चीज़। सो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ी कढ़ाई का सीन क्या है, ये देखो। मुझे नहीं पता ये जायके में कैसी होने पा रही है, बट लेट्स ट्राई इट। ये एक शायद फूड फ्यूजन है ये, कि कढ़ाई के अंदर चीज़ ऐड की है इन्होंने मेल्ट करके। सो लेट्स ट्राई इट, इसको हम अपना डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि भाई चीज़ी कढ़ाई के क्या मज़े हैं। अच्छा हमारे पास नान भी अलग अलग है, हमारे पास गार्लिक नान है और ये है हमारे पास रोगनी नान, और उसके साथ जो मौजूद है हमारे पास
बटर नान। तो भाई नान की भी हमारे पास तीन डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, शिनवारी कढ़ाई मौजूद है, चीज़ कढ़ाई मौजूद है। थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मेरी प्लेट नज़र आए। हम इसको पहले ट्राई करते हैं विथ गार्लिक गर्मा गर्म नान। और ये देखिए जी, चीज़ कढ़ाई, चिकन चीज़ कढ़ाई है बाय द वे, ये मैं बता दूँ आपको। प्रीटी गुड यार, एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट बहुत बटरी जायका है, बहुत मिल्की सा टच है, चीज़ी, आप ऑब्वियसली चीज़ इसके अंदर भरपूर तरीके से है। काफ़ी आपको ये ऑयली लगेगी लेकिन उतनी हैवी नहीं है। टेस्ट अच्छा है, मिनिमल स्पाइसेस आपको साथ में, आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि शिमला मिर्च के साथ इन्होंने इसको कॉम्बिनेशन बनाया और विच इज़ वेरी नाइस, जो कि इसके टेस्ट को अच्छा मज़ीद इन्हेंस कर रही है। सो दिस इज़ अ नाइस थिंग, चीज़ी चिकन बोनलेस बटर कढ़ाई। शिकारी कढ़ाई है ये, और ये थोड़ी स्पाइसी भी लग रही है। तो आपको पता है जैसी स्पाइसी की बात है तो भाई फौरन खोल लेता है रायता। दोनों अच्छी हैं, मतलब ये आपको नॉर्मल कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हरमैन शरफैन आ रहे हैं तो आप ये वाइट वाली कढ़ाई ऑर्डर करें और इन्जॉय करें। सही है, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं, कैसे हैं सर? सबसे पहले आपका नाम? इमरान खान नाम है। इमरान खान, खान साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि भाई हरमैन शरफैन ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या है इसके पीछे उसकी, हरमैन शरफैन की फूड कहानी हमारी ऑडियंस के लिए बताइए ना। दरअसल हरमैन शरफैन जो नाम है ये हमारे वालिद साहब ने रखा था, तकरीबन आज से 20-25 साल पहले की बात है। इससे पहले ये चाय और पराठे का सेटअप हुआ करता था, जहाँ पिज़्ज़े पराठे, चिकन चीज़ पराठे, आलू पराठे, ये जो कराची में सबसे पहले हमने स्टार्ट किए 2008-2009 की बात थी। उसके बाद फिर इसी प्रोसेस को आगे हम बढ़ाते रहे, नए से नए आइटम लाते रहे, फिर हम फूड में आए। अपने नाम के जैसे तब्दीली लाते रहे आप हैं, तो फिर हमने उसी चीज़ को तब्दील करके फिर हम खाने पीने की चीज़ों में आए। ये तकरीबन इसको 2 साल होने वाले हैं। ये जो मशहूर हर जगह पर चर्चा हो रहा है आपकी उस चीज़ी बटर हैंड कढ़ाई का, तो सर वो किसका आइडिया था, वो कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कितना टाइम हो गया उसको? वो भी तकरीबन 2 साल हो गए इसको शुरू हुए ना। तो ये दरअसल सब मैनेजमेंट का आपस में एक मशवरा था, तो इसमें ये चीज़ की ताकि लोगों का वक्त बचे। दरअसल हमारी हांडी हो या कढ़ाई हो, ये 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाती है तैयार करके ना। 5 मिनट में इसका जितना भी जो बेका प्रोसेस होता है हम पहले से करते हैं, 3-4 घंटे इसका प्रोसेस होता है। टमाटर का वगैरह जो इसकी ग्रेवी वगैरह बनती है वो हम पहले बना के रखते हैं, और चिकन जितना भी है सब तैयार होता है। तो मतलब किलो, आधा किलो, 2 किलो कोई भी ऑर्डर करे 5 से 6 मिनट में आ जाएगी? 5 से 6 मिनट में। आप कह रहे कि 10 किलो का भी ऑर्डर हो, 20 किलो का भी ऑर्डर हो, तो आपको जो है ना 10-15 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी जी। अचानक घर पे मेहमान आए, अचानक कोई ऐसी पार्टी हो कि भाई कोई चीज़ नहीं मिले, तो आपको लिए हरमैन शरफैन को लवाए। अब आदा भाई, ये हमारे शो से पहली दफ़ा आप लोगों को बात चल रही है, हरमैन शरफैन आपकी इमरजेंसी के लिए भी तैयार है आदम। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि रमज़ान में क्या टाइमिंग है? रमज़ान में इसकी टाइमिंग इफ्तारी से शुरू होती है और सहरी पर ख़त्म होती है। ईद-उल-फितर आने वाली है, आपको पता है, तो ईद पर भी खुला हुआ है हरमैन शरफैन, क्या टाइमिंग रहेगी 3 दिन ताकि हमारी ऑडियंस ईद के मज़े तो लूट सके? ईद के पहले दिन जो है ना बंद होगा, और दूसरे या तीसरे दिन से इंशाल्लाह खुल जाएगा जी। जी ज़बरदस्त, थैंक यू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल वहाब। वहाब भाई, ये मुझे बताएं कि यार कि क्या सीन है, ये जो चीज़ हांडी इतनी मशहूर हो गई है, क्या हाथों में जादू है, क्या तरीका है भाई इसको बनाने का? बस अल्लाह पाक की बरकत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाकी चीज़ आपके सामने। ज़बरदस्त, तो ये मुझे बताओ कि तकरीबन एक दिन के अंदर ये चीज़ हांडी कितनी बना देते हो? इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हाथ नहीं रोकता, अल्लाह पाक का एहसान है, हाथ नहीं रोकता हमारा।
अच्छा, और वैसे क्या क्या इधर आइटम कढ़ाई के अलावा क्या क्या मिल रहा है? अभी आपने तो बटर चीज़ खाई है, उसके अलावा रेशमी पनीर है, शिंगाई चीज़ है, इटालियन चीज़ है, बारबेक्यू कॉकटेल चीज़ हांडी है। एक काम करना है, आपने कैमरे में देख के बोलना है कि भाई फूड कहानी को लाजमी देखो। वो तो फूड कहानी को लाजमी देखना पड़ेगा इनको। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। So viewers, that was all from Food Kahani Ramzan Specials, another episode. Umeed nahi balki yakeen hai ki aap logon ko bahut maza aaya hoga. Bhai mujhe to bahut zyada maza aaya. Ramzan khatam hone wale hain, Eid aane wali hai, to aapke host aur aapke dost Rao Saavis ki taraf se aap tamam hi logon ko Food Kahani ke platform se bahut bahut Eid Mubarak ho. Ek dusre ka khayal rakhiye, ek dusre se pyar kijiye aur apne host apne dost को दुआओं में याद रखिए। और अगर दूसरा सीजन देखना चाहते हो तो नीचे हमारे सोशल लिंक्स पर जरूर बताइए कि कौन से शहर हैं भाईजान, साडा नेक्स्ट स्टॉप केड़ा है, ए दसो ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।